हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटिल गाइड। आज हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगुलर एरे, पोलर एरे और पाथ एरे के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं रेक्टेंगुलर एरे का। रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट को रोज, कॉलम या फिर लेबल्स में उसको कॉपी करता है और उसका अरेंजमेंट बनाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो चलिए एक सर्कल बना लेते हैं छोटा सा। अब हम लोग करते हैं एरे को सिलेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके प्रेस कर देते हैं एंटर। फ्रेंड्स अब देख सकते हैं एक रिबन आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं कि हम लोगों का कितना ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग को इस ऑब्जेक्ट का रेक्टेंगुलर एरे बनाना है, पर जहाँ पर कॉलम 6 होगा और रोज 4 होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कॉलम 6 कर देते हैं। फ्रेंड्स हम लोग कमांड बॉक्स से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई भी ऑप्शन को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर कॉलम 6 किए, अगर उसे हम लोग यहाँ पर चेंज करके 5 कर देते हैं तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बिटवीन है ये क्या होता है, ये दो ऑब्जेक्ट के बीच डिस्टेंस होता है कॉलम्स में। ठीक है, यहाँ पर 9.7 है, इसे हम लोग कर देते हैं 10। ठीक है, अब चेंज कर देते हैं रोज़ में हम लोग कितना चाहिए था, 4 कर देते हैं, एंटर। अब देख सकते हैं के बीच हम लोग डिस्टेंस क्या कर देते हैं, 8 कर देते हैं, कम हो जाएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं लेवल्स का। लेवल्स में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 5 लेवल्स डाल दें, पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है। एक्चुअली ये हम लोग आइदर 3D में देखते हैं या फिर कोई हम लोग अदर व्यूज़ में भी इसे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसे देखते हैं कोई अदर व्यूज़ में। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते हैं, इसे हम लोग कर देते हैं ऐसे। अब देख सकते हैं जो हम लोग का ऑब्जेक्ट है उसका 5 लेवल्स बन गए हैं। अब फिर हम लोग आ जाते हैं टॉप व्यूज़ में। फ्रेंड्स अब मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर इसे भी हम लोग कॉपी करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। कर लिए एरे को सिलेक्ट, फिर से करते हैं एंटर। देखिए इस ऑब्जेक्ट को भी हम लोग कॉपी कर लिए, ये इसका 4 रोज और 3 कॉलम्स बन गया और लेवल हम लोग एक ही रखे हैं। ठीक है, ऐसे रेक्टेंगुलर एरे काम करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पाथ एरे के बारे में। तो फ्रेंड्स इसे कर देते हैं डिलीट। इसके लिए भी हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं, चलिए। ठीक है, अब क्या होगा, पाथ एरे क्या करता है फ्रेंड्स, एक सर्टेन पाथ हम लोग को मेंशन करना पड़ता है और उस पाथ में ही कॉपी होता है जो हम लोग का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मान लीजिए हम लोग एक पॉलीलाइन से बना लेते हैं पाथ। ठीक है, फिर बना लेते हैं एक आर्क, अब सेलेक्ट कर देते हैं, फिर एक लाइन कर देते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ देखिए आप यहाँ से आप पाथ एरे सेलेक्ट कर लें। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में देखिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, हम लोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिए, प्रेस कर देते हैं एंटर। अब सेलेक्ट पाथ, हम लोग इस पाथ को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देख सकते हैं हम लोग यहाँ का डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 43 दिया हुआ है उसे हम लोग 30 कर देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग लेवल दे सकते हैं, लेवल सेम उसी तरीके से जो हम लोग 3D में देख सकते हैं, उसके जितना चाहे उतना लेवल्स बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स और एक सर्कल बना लेते हैं, इस पर लाइन बना देते हैं, इसी डायरेक्शन में ये कॉपी हो जाएगा अगर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं कर्व। तो फ्रेंड्स ऐसे काम करता है पाथ एरे। अब बात करते हैं पोलर एरे के बारे में। इसके लिए फ्रेंड्स बना लेते हैं एक सर्कल, ठीक है, छोटा सा यहाँ पर, और एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, अब सिलेक्ट करते हैं पोलर एरे को, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं पोलर एरे को। अब आप कमांड बॉक्स में देख सकते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिए, प्रेस कर देते हैं एंटर। अब स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट हम लोग कहीं पर भी देख सकते हैं। ये सर्कल बस एक पॉइंट के लिए हम लोग दिए हैं, अगर आप ये सर्कल नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग कहीं पर भी मेंशन कर सकते हैं पॉइंट। अब इस सेंटर पॉइंट को हम लोग क्लिक करते हैं, अब आप देख सकते हैं साइड में जो डिफ़ॉल्ट स्पेसिफिकेशन दिया हुआ था उसी हिसाब से बन गया है। तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं आइटम 6 के जगह 10। ठीक है फ्रेंड्स, अब रोज़ भी हम लोग यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 2 कर दिए तो और एक उसके साइड में बन गया है। ठीक है, अगर यहाँ पर 5 कर देते हैं तो 5 बन जाएगा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस बिटवीन है इसे हम लोग जितना चाहें उतना कर सकते हैं, मान लीजिए 20 कर दें तो ऐसे हो जाएगा। और फील है 360 डिग्री हम लोग कर देते हैं, ये जो सर्कल है उसके साइड में फिल हो जाएगा। अब लेवल तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, 4 कर देते हैं लेवल को, और हम लोग व्यू देख लेते हैं यहाँ से। तो अब हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस मेंशन कर देते हैं 50, देख सकते हैं इसका लेवल्स कितना सारा बन गया है। पोलर एरे ऐसे काम करता है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग देख लिए रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे और पोलर एरे। नेक्स्ट क्लास में और भी टूल्स देख लेंगे, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, खुश रहिए। फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे हर वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे,
और शेयर करना ना भूलें।